कैमरा थोड़ा नीचे रखो। विनर ऑफ टीम को स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, कि सेहत जो है वही दौलत है। हम जिंदगी भर दौलत के पीछे लगे रहते हैं दौलत कमाने के लिए, और उसमें हम अपनी सेहत का भूल जाते हैं कि असली वेल्थ जो है वो सेहत है। तो जो स्पोर्ट्स मैनशिप है या स्पोर्ट्स है, उसका हमारी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल है। अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन रहेगा, और उस डिसिप्लिन से हम जिंदगी की हर एक ऊंचाई जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एज नहीं है कि भाई हम जवानी में ही सिर्फ स्पोर्ट्स मैनशिप करें या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स से हमारी सेहत ठीक रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहता लाइफ में। जो स्ट्रेस होता है उसी से जो है हमारी सेहत भी खराब होती है, उसी से इनडिसिप्लिन भी क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि आज तक किसी स्पोर्ट्स पर्सन का आपने ये नहीं सुना होगा कि वो कैंसर से मर गया या वो फलानी बीमारी से मर गया। इसलिए स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, इसके लिए कोई उम्र नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा टैलेंट है, खासकर कंडी में, और मैं जमोला में गया था, वहाँ पे मैंने देखा स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा जो है बच्चों में टैलेंट है। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो पार्टिसिपेंट टीम है, और वक्तन फक्तन मैं इनके साथ शामिल होता रहता हूँ जब भी यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगता है। आगे भी इनके लिए काम करेंगे। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वो भी टेबल टेनिस के लिए, इंडोर गेम्स के लिए आज वो सिलेक्ट हुआ है। यहाँ जल्दी ही वो टेबल टेनिस और जो इंडोर गेम्स का है वो शुरू हो जाएगा, और इस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आउटडोर स्टेडियम भी एक जल्दी कोटरंगा को दिया जाए। ये कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम है यूथ को एंगेज करने की, इसमें अलग अलग जैसे स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा देने की कोशिश करती है। अभी भी एक टूर्नामेंट बॉर्डर एरिया का चल रहा था क्रिकेट का, वो भी काफ़ी ख़त्म हुआ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने पूछा तो यहाँ पे कहते कि लोग कबड्डी ज़्यादा अच्छा खेलते, तो हमने कबड्डी का टूर्नामेंट मुनक़द किया। तो यहाँ पर बुद्ध की टीम खेली, बहुत अच्छा खेली। तो इस कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम के थ्रू मैं यही यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि जो हमारा मकसद है यूथ को बचाना है, यूथ को प्रोडक्टिव साइड पे लेके जाना है, ना कि मतलब नशे की आदत में पड़ जाएँ। सोसाइटी के लिए मतलब बून बनने की जगह वो एक बेन बन जाएगी।